जितने भी लोग YouTube पे हैं सभी का लगभग दो चैनल होता है। अब दो चैनल होता है तो भैया वो स्विच भी करना पड़ता है। जब स्विच करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। ये दो दिन से लगभग प्रॉब्लम चल रही है। अब मैं देख रहा था बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग कभी कोई बता रहा है भैया YouTube का बग है, कोई बता रहा है कुछ भी, कोई बता रहा है ऐसे सही हो जाएगा, कोई कुछ भी बता रहा है। तो सब कुछ देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया, वो एक वीडियो आप देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो तो बहुत भाग्यशाली हो। को लाइव प्रूफ सब कुछ दिखाएंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। आसानी से हम स्विच करके दिखाएंगे आपको इसी वीडियो में कि कैसे हमने अपना स्विच किया, उसके पहले कैसे खराब था, सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ दिखाना है। गाइस आप YouTube खोलते हो, आप जब यहाँ पे स्विच वाले पे ओके करते हो अपने आइकन पे, उसके बाद स्विच पे ओके करते हो तो भैया इंटरफेस यहाँ पे इस प्रकार से आता है। आप एरर टैप टू रिट्राई पे बार बार ओके करते हो लेकिन फिर भी यहाँ पे ये नहीं खुल पाता। उसका रीजन ये है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि भैया आपको सेटिंग में चले जाना है इसको सही करने के लिए। आपको सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना, अगर सर्च बार आपके पास है तो यहाँ पे ऐप लिख लेना, ऐप मैनेजमेंट आ जाएगा इस प्रकार से कुछ करके। यहाँ पे देखते हैं हमारा कहाँ पे ऐप वाला सारा सिस्टम दिया हुआ है। प्राइवेसी शॉर्ट ऐप इस प्रकार से है, मैं ढूंढ लेता हूँ फटाफट, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। सारे ऐप जहाँ पे दिखते हैं वहीं पे आपको अपने फ़ोन में जाना है। ऐप मैनेजर ये इस प्रकार से दिया हुआ है हमारे में इस प्रकार से, आपके में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जब आपके सामने सारे ऐप खुल जाए तो आपको YouTube सर्च कर लेना है जहाँ पे भी हो, ऊपर हो सकता है सर्च बार आपको मिल जाए आपके फ़ोन में, मेरे में नहीं है फिलहाल, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर डाटा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार से आ जाएगा, उसके बाद ओके कर देना है, सिंपल ओके। ओके करने के बाद ये थोड़ी देर में कंफर्म होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर क्लियर कैश ये वाला दिखे अगर आपका, तो इसको भी ओके करके ख़त्म कर देना। मेरा यहाँ क्लियर डाटा कर दिया तो एक बार में ख़त्म हो गया। अगर आप क्लियर कैश करते हैं तो आपका ये डाटा रहेगा, तो इस पर आप क्लिक करके इसको भी क्लियर कर देना। दोनों क्लियर आपको करना है। ओके, अब इससे आपका कोई भी ऐसा डाटा नहीं जाएगा जो आपके फोन में प्रॉब्लम, मतलब कोई भी फोन का डाटा नहीं जाने वाला है। ओके, उसके बाद गाइस सिंपल हम यहाँ पे YouTube अपना ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखिए इंटरफेस इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद आपका सारा अकाउंट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सारा अकाउंट यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। जितना भी अकाउंट होगा एक ही बार में आप चाहे जितनी बार क्लिक करेंगे एक ही बार में ये शो हो जाएगा आपका। ओके, और ये थोड़ा सा YouTube का बग है। अगर आप वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो भैया इस तरीके को यूज करो, आराम से अपलोड करो। गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एक चीज और बता दूं आपको, जो ट्रिक आपको मैंने बताई है ये ट्रिक आपको हो सकता है आपके फोन में अगर वर्जन आपका लो होगा फोन का तो हमेशा के लिए सही हो जाएगा परमानेंटली, और बाकी अगर वर्जन जो है आपके फोन का हाई होगा तो याद रखना कि ये आपका हो सकता है कि एक दो घंटे बाद खराब हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो रही होगी तो ये तरीका अपना के आप अपलोड कर सकते हो अपना वीडियो आसानी से। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, यूट्यूब की तरफ से जो बग चल रहा है वो सही हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ सही हो जाएगा। तब तक के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।